अल्लाह ताला ने हर नबी को इसके ज़माने के हालात और मुशाहदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि इनकी सदाकत अफजलियत और बेहतरीन नुमाया रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े और फजीलतें अता फरमाईं और सबसे पहला मौजज़ा हज़रत ईसा का बग़ैर वालिद के पैदा होना था। फिर आपने आगोश मादर में कलाम करके अपने वालदा की पाकिजगी और सदाकत की गवाही दी। आप मिट्टी का परिंदा बनाते, इस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन के उड़ जाता। पैदाशी नबीना की आंखों पर हाथ रखते तो इसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी वो नबीना था ही नहीं। बस जजाम और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह ताला के हुक्म से सिरजाब कर देते, मुर्दों तक को ज़िंदा कर देते। ये वो मुइज़ात है जिनको देख कर लोग इन पर ईमान लाए और उन्हें अल्लाह ताला का सच्चा नबी तस्लीम किया। लेकिन क़यामत से पहले ऐसी कुव्वत दज्जाल के पास होगी जो मुर्दों को ज़िंदा करने की सलाहियत रखेगा और इस असलियत से लोग दज्जाल को किसी तरह भी खुदा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्वातीन हज़रात, आज सोशल मीडिया पर फैलती खबरों ने दुनिया के हर इंसान को शदीद उलझन में मुबतला कर दिया है और दज्जाल के पास भी वो कुव्वत होगी जो एक मुर्दा इंसान को ज़िंदा करेगा और इस बात पर हर कोई यकीन कर लेता है कि दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करेगा, लेकिन कोई इस बात को समझने की ज़हमत नहीं करता कि वह इंसानों को ज़िंदा कैसे करेगा, क्योंकि मुर्दों को ज़िंदा करना एक अजीम मौजज़ा है जो अम्बिया को दिया गया था और यह मौजज़ा दज्जाल को कैसे मिलेगा। दज्जाल के तमाम तर करिश्मों का ताल्लुक आज के इस ज़ेर बहस वर्चुअल टेक्नोलॉजी से है जो आज के जदीद साइंस में तेज़ी से मंजिलें तय कर रही है और आज जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुदरत की हर चीज़ का उलट तख्लीक करके दज्जाल की खुदाई के तमाम असबाब तख्लीक किए जा रहे हैं ताकि वह बस आकर तख्त पर बैठे और सियोनी ताकतों के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दे, या दज्जाल मुसलमानों को ऐसे ऐसे सियासी करिश्मे करके दिखाएगा कि इंसान की अकल उसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी और वह ज़मीन को हुक्म देगा कि सोना निकाल, अनाज निकाल तो ज़मीन बाहर निकाल देगी, आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा तो टेक्नोलॉजी से फ़ौरन बरसात शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि मुर्दे को भी ज़िंदा करके इंसानों को बेवकूफ़ बनाएगा। आजकल साइंस पर क्लोनिंग के नाम से एक्सरे किए जा रहे हैं जिस पर किसी नौजवान का सर काट कर मरने वाले किसी बूढ़े के जिस्म पर फिट करके उसे दोबारा ज़िंदा कर दिया जाता है। जब यह टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर पहुँच जाएगी तो दज्जाल के मिनटों में मुर्दे को ज़िंदा कर देने और इंसानों के उसे खुदा मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। नाज़रीन कराम, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ये वीडियो देखें और ख़ुद फैसला करें कि दज्जाल के लिए मुर्दों को ज़िंदा करना कितना आसान होगा। और इस वीडियो में एक माँ अपनी फ़ौत हुई बच्ची से मुलाकात करती है और इस वीडियो में इस फौतशुदा बच्ची की तस्वीर वर्चुअल टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर में बनाएगी, फिर इसकी माँ को इसकी वीडियो वर्चुअल रियलिटी के लिए तैयार करना मखसूस आलात के ज़रिए दिखाएगी जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ बातें करते हुए इंतहाई जज्बाती हो जाती है, यानी उसे यकीन हो जाता है कि जो वीडियो वो देख रही है दरअसल वही इसकी बेटी है और जब इस दुनिया से बाहर आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वही दुनिया हकीकत थी। अब एक और वीडियो देख सकते हैं कि एक औरत होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बातें एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड करती है और फिर इस औरत का हूबहू जिस्म बनकर किसी और ज़ुबान में वही बातें दोहराता है जो इस औरत ने रिकॉर्ड की होती हैं। यह दज्जाली टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अपने जदीद शक्ल में पेश की जाएगी तो इसके ज़रिए असल और नकल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और लोगों को आसानी से धोखे में डाला जा सकेगा। और अगर इस बात पर गौर करें कि दज्जाल का मतलब क्या है तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दज्जाल, जो कि एक लफ्ज़ दज्जल से निकला है, इसके मानी धोखा और फरेब के हैं और दज्जाल का काम लोगों को धोखा देना ही होगा, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे में दोज़ख होगी और जो कोई इसको देखेगा तो बग़ैर किसी झिझक के इसके बनाए हुए जहन्नम में कूद जाएगा, क्योंकि वही आग दज्जाली फितने से आज़ादी होगी। नाज़रीन इकराम, दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो इसके मानने वाले इसको मसीह के रूप में देखेंगे, लेकिन इसके पीछे वो शैतानी चेहरा छुपा होगा जो सिर्फ इन लोगों को पहचानेगा जिनका ईमान मजबूत होगा और दज्जाल के इन करिश्मों की हकीकत को जानकर इसकी इताअत करने से इनकारी हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की सीरत ज़्यादा होगी जो दज्जाल के इन जायल साजिशों में गिरफ्तार होकर उसे अपना खुदा तस्लीम कर लेंगे और वो मुसलमान इसके धोखे में आ जाएंगे जो ईमान के कमज़ोर होंगे। और आज का ये शैतानी मीडिया दज्जाल को एक अजीम रहनुमा के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा जिसे लोग अपना हीरो समझेंगे
और उसे बेपनाह शोहरत के बाद सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा, इसके बाद उसे खुदा होने का ऐलान करेगा और फिर खुदाई के ऐलान के बाद वो तमाम करिश्मे जो मुख्तलिफ हदीस में मज़कूर हैं वो सब दिखाएगा। दज्जाल लोगों को ऐसे ऐसे सियासी करिश्मे दिखाएगा कि इंसान की अकल से खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। और मुर्दों को ज़िंदा करने के दज्जाली करिश्मे की एक मिसाल माइकल जैक्सन भी है, जिससे आज से 6 साल केवल होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक शो में सामने लाया गया और जब लोगों ने वो मंज़र देखा तो हैरत की इंतहा ना थी। ये सब आँखों और सोच का धोखा था जिसको दज्जाल पैरोकार अपने आकाए दज्जाल के लिए मुमकिन बना रहे थे कि जब कल दज्जाल इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम करिश्मे दिखाएगा तब लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। इन तमाम जालसाजी और झूठे करिश्मों में शैतान दज्जाल का मावन होगा और दज्जाल के कहने पर मुर्दों की शक्ल इख्तियार करेंगे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का एक बड़ा फितना ये होगा कि वो एक बद्दू और ज़्यादी इंसान से कहेगा कि अगर मैं तेरे वालदैन को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझे रब तस्लीम कर लोगे? ज़्यादी कहेगा हाँ। शैतान ज़्यादी के वालदैन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और इसे कहेंगे कि बेटे तुम इनकी बात मान लो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। और इन तमाम बातों से मालूम होता है कि दज्जाल का फितना इंतहाई संगीन होगा और दज्जाल के फितने का शिकार इसके बरक्स मजबूत ईमान वालों का ये आलम होगा कि वो जिस कदर भी इस तरह के फितने पैदा करेगा अहले ईमान का इसी कदर यकीन पुख्ता होता जाएगा और वो कि ये शख्स ही दज्जाल है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को डराया और उन्हें इशार किया। इसी तरह एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल एक एक को मार कर फिर ज़िंदा करेगा तब इस शख्स के खुदाई के दावे को तस्लीम कर कहेगा, लेकिन इस शख्स की तरफ से इनकार करने पर इसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा लेकिन वह दोबारा कामयाब नहीं हो पाएगा। इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए उलमा का कहना है कि दज्जाल इस शख्स पर ऐसी कैफियत तारी कर देगा कि लोग इसे मुर्दा समझेंगे, फिर दज्जाल इसे दोबारा होश में लाकर लोगों को कहेगा कि मैंने इसको मार कर ज़िंदा किया है। आज के इस दौर पर नज़र डाली जाए तो आज के साइंसी दौर की टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत सी चीज़ों ने जन्म लिया है और अजब नहीं कि दज्जाल इस साइंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में लाकर लोगों में रबूबियत का दावा करे। बहुत से लोग इन्हीं फितनों से मुतासर होकर इसके दावे की तस्दीक भी करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये तमाम फितने मुस्तकबिल में शिद्दत के साथ रुमरा होंगे जिन्हें देख कर बहुत से लोग इन दज्जाली करिश्मों को मौजदा का नाम देंगे, लेकिन दर हकीकत दज्जाल के वो तमाम फितने मौजदे जो लोगों को बड़ी तादाद में गुमराही की तरफ ले जाएंगे इस पर ईमान वाले इससे बच सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।